पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू, क्योंकि 19,200 पे दो तरह के थॉट बन रहे हैं। एक, क्या ये बबल ना बस्ट हो जाए, ऐसी सिचुएशन कहीं बनते हुए दिखाई पड़ रही है, कहीं फंसने वाली प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, या दूसरा कि अभी तेजी शुरू हुई है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी हायर लेवल से जो स्टॉक्स हैं स्पेसिफिक है वो काफी पीछे हैं, तो शायद वही पार्टिसिपेट करें। तो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट को, क्या 19,200 पे थोड़ा कॉशियस स्टांस रखना है या अभी भी तेजी है, मतलब फुल थ्रॉटल चलते रहना है? तो शुरुआत करता हूँ गालिब साहब की दो पंक्तियों से, अगर आप अनुमति दे तो। गालिब साहब ने बहुत खूब कहा है सुमित, ये मैं इशारा है मंदोड़ियों की तरफ। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, जब हम वहां पहुंचे तो वो कहने लगे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। आज मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल इसी महीने में 16,000 के नीचे के स्तर बने थे, लगभग सभी लोगों ने मरणोपरांत लेख लिख दिया था भारतीय शेयर बाजार के ऊपर, और यही चीज मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले भी काफी लोग मंदी में बैठ गए थे, कुछ 4 या 5 हफ्ते पहले भी कुछ लोग मंदी की बातें कर रहे थे, लेकिन आज मुकाम देखिए कहां पर खड़े हैं हम। मैं ये नहीं कहता सुमित कि यहां से एक ही दिशा में बाजार चलेगा, मेरे ख्याल से ये मेरे को बहुत चिंता करेगी और सताएगा अगर एक तरफा बाजार, किसी भी देश का अगर एक तरफा बाजार होता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही सक्षम चीज नहीं होती है। बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं और अक्सर आपके चैनल के माध्यम के द्वारा आपके सहयोग के साथ बैठ करके हम निवेशकों को और आपके दर्शकों को यही राय देते हैं कि बाजार में गिरते हुए बाजार में निवेश करना चाहिए, तब करना चाहिए जब आपको आपको जो अनुमान होता है कि आपको इस भाव में खरीदना, उससे डिस्काउंट में आपको शेयर मिलता है, तब जा करके आपको शेयर खरीदना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि यहां से करेक्शन नहीं आएगा, आएगा, बाजार की सेहत के लिए लाजमी है, लेकिन अगर आप मौका चूक चुके हैं तो मेरे ख्याल से वो जो गिरावट आएगी आने वाले भविष्य में वो एक बेहतरीन मौका होगा आपको शेयर बाजार में आकर के निवेश करने के लिए, और बहुत जल्द सुमित मेरे ख्याल से 10-15 जुलाई के आसपास इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के आंकड़े भी आना शुरू हो जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि वो आंकड़े काफी सकारात्मक आएंगे।